A particle of mass 2 kg moves in simple harmonic motion and its potential energy U varies with position x as shown in figure. Find the period of oscillation of the particle. ठीक है, सो कोई एक मास है 2 kg का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और इस मास का पोटेंशियल एनर्जी U का वेरिएशन x के साथ इस ग्राफ में गिवेन है. ठीक है, सो निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. सो देखिए, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजिशन से मैक्सिमम होगा. जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इस तरह का एक सिंपल पेंडुलम है. सो सिंपल पेंडुलम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब अपने मीन पोजिशन से होता है, मीन्स इस पोजिशन पर है ना, सो इस पोजिशन पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है. यू इज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये इस केस में यहाँ पर मिनिमम होता है. सिमिलरली इस पॉइंट पर आइएगा जो कि मीन पोजिशन है, इसको हम लोग मीन पोजिशन भी बोलते हैं. ठीक है, सो इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यू ये मिनिमम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, सो इसको याद रखना है. सो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखिएगा, सो दिस इज द एक्स, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और इस y एक्सिस के अलावा देखिएगा एनर्जी गिवन है पोटेंशियल एनर्जी जूल में. ठीक है, सो जब x इक्वल टू 0.4 होता है, 0.4 मीटर, सो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 1 जूल है. ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि ग्राफ देखिए सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट तक है. ठीक है ना, ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. सो अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू 0.4, सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है. ठीक है, सो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर हो जाएगा. ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल. ये 1 जूल हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, दैट इज द 1 जूल. ठीक है, सो फॉर्मूला यूज कर लेना है. फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है. ठीक है, सो देखिए U का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 जूल, डैट इज इक्वल टू हाफ, और मास कितना गिवन है, 2 kg गिवन है. सो 2 kg यहाँ पुट कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, और एम्पलीट्यूड हम लोगों ने कितना निकाला, 0.4 का स्क्वायर, डैट मीन 0.16. ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, डैट इज 1/√0.16. ठीक है, डैट मीन्स ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/0.4. ठीक है, सो ओमेगा कितना हो जा रहा है हमारे पास, 1/0.4, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf, डैट इज 2π/T. ठीक है, सो अगर टाइम पीरियड यहाँ से निकाला जाए, सो ये 2π/ω हो जाएगा. सो डैट इज 2π × 1/ω है, सो 1/ω का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए 1/ω, सो डैट इज इक्वल टू 0.4. सो यहाँ 0.4 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, सो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.8π, ये आंसर होगा. और इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाइएगा, सो 8/10π, डैट मीन्स 4π/5, इतना सेकेंड हो जाएगा आंसर. ठीक है,